साढ़े चौदह किलो दूध चौदह किलो दूध दिया है दूध निकाल लिया है सवा किलो टिंडी है भाई तैयारी का तो यह कौन से बोलते प्रेगनेंट है यह भी गांव का पंचायती पंचायती जो डायरेक्ट क्रॉसिंग करवाई के कुछ कीमत रखोगे इसकी भाई साहब आदि पीछे आए को ना अच्छा नुकसान हो गया नुकसान में गए चौदह पंद्रह लाख रुपया नीचे गए थे चौदह पंद्रह लाख का नुकसान हो गया था पशुओं का जिक्र पशु ही फिक्र पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर रोली की तरफ और आज पहुंचे भाई इसार जिले का गांव है सेल के लिए लगभग दो तीन पशु होंगे और जायज कीमत में होंगे कीमत साथ के साथ पूछेंगे देवेंद्र भाई राम 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 जी एक दर्शक और आशा करता हूँ ठीक होंगे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब देवेंद्र भाई क्या कुछ काम करते हो आप भाई साहब मैं टाटा में नॉर्थ का ट्रांसपोर्ट मैनेजर हूँ अच्छा जी हाँ सोनीपत में सोनीपत में जो यो अपना का अपना देखता हूं। सेंटर जो है, परचेज करते बहुत जी से। लिखे कितने बीबीए का रखिये भाई और सक्षम है आज की डेट में भाई भगवान की दास है तो पशु घर पर कैसे रख रहे हो भाई जी ये जो पशु भाई जी ये

अब कितने पशु दिखाओगे वीडियो में तीन पशु भाई साहब। तीनों सेल के लिए हाँ, सेल के लिए। तीनों सेल देखो भाई साहब पहली बात तो ये भाई वीडियो इसलिए बना रहे हैं आपने पशु सेल करने हर हाल में हाँ। क्योंकि भाई आपकी माता जी बीमार है मैं तो चाहूँ जल्दी ठीक हो जाए फिर भैंस रखे पर भाई नु कही भाई इन पूरी उम्र मेहनत करी है मैंने सोचू आराम करे

या भाई साहब दूसरा ब्यात है अच्छा नौ महीने बारह तारीख दस महीने कम्प्लीट कर जाएगी नौवे महीने की यानी कि सितंबर की बारह तारीख को हाँ। आज से एक महीना बाकी है कौन से बुल से प्रेग्नेंट है ये भाई साहब बुल का नहीं बता लोकल गांव बताओ बोलता उसे तो प्रेग्नेंट है अच्छा गांव की पंचायती है उसे तो प्रेग्नेंट है डायरेक्ट क्रॉसिंग डायरेक्ट क्रॉसिंग है डायरेक्ट क्रॉसिंग है भाई फर्स्ट टाइमर कितना दूध निकाल रही है फर्स्ट टाइमर ने भाई साहब कटड़ी मरिया के बाद में चौदह किलो दूध काटा है फर्स्ट टाइमर ने कटड़ी काटड़ी थी तीन दिन की इसकी और सिंह तोड़ा की थी उसके बाद में भी चौदह किलो दूध साढ़े चौदह किलो रेगुलर दूध दिया इसने सिंह की पोलियो भाई जसवीर दिखा दिए दूसरी साइड का जो लेफ्ट साइड का सिंग है उसकी हाँ। पोली उतर रही है भाई। भाई ना बता दींगी फिर भी फर्स्ट टाइम चौदह किलो चौदह किलो दूध दिया तैयारी का।, का सवा किलो टिंडी। का। जोड़ अच्छा जी जोड़ लियो अच्छा जीव अगले में भाई अगला मेरी मान है जीवा है माँ सवा घी बेच दिया छह महीने में अच्छा सवा लाख रूपये का घी छ महीने में छह महीने में ये मान लो आधा किलो घी है, एक क्विंटल तो ऊपर बात बाद हजार रुपये हाँ, किलो तो हो रहा है बारह सौ बारह सौ रुपये है तो भाई अब बात करेंगे इसकी कीमत की देवेंद्र भाई एक चीज कहूंगा जितने भी आपने ये नी अग वही सेल करनी है क्योंकि आप भाई पढ़े लिखे लिखे हो शिक्षित हो हर चीज के बारे में समझते हो भाई इसकी यह कीमत रखेंगे तो इतने में सेल हो जाएगा तो कीमत क्या करोगे भाई साहब इसकी एक ही कीमत कीमत भाई साहब अगर एक कीमत कराओगे तो इसके लेने देने एक पैंसठ हजार रुपया एक लाख पैंसठ हजार आज का रेट है यो यो आज का रेट है भाई साहब देखो सीख की पोली भी उतर गई थोड़ा नुकसान बन गया आप नहीं लगता थोड़ी कीमत कीमत पूरी कर देगा तो घर रखेंगे

चला ये भाई एक बार दवा देंगे दवा देंगे देखिए भाई चप्पल टूट गई कोई बात <laughs> <laughs> तो ये भाई एक लाख पैंसठ हजार रुपया हाँ, एक लाख पैंसठ हजार मान सम्मान के कुछ है है भाई जी। भाई जो फ्रोती हो अपने काम के हिसाब से तो जो खुद करा करें वो जरूर कराएंगे हाँ, तो एक नंबर पर जो है सेकंड टाइमर बच्चा देगी एक महीना बाकी यार भाई ने कीमत करी इसकी एक लाख पैसठ हजार रुपये अगली ले आओ भाई साहब तीन है हाँ दूसरी को ले दूसरी ले भाई डालो देवेंद्र भाई इसकी बताओ डिटेल या आओगी भाई फर्स्ट टाइम बच्चा देगी भाई कितने दिन बाकी रह गए सातवें महीने में लग गई पांच तारीख तक पांच तारीख तक सातवें महीने में लग गई है भाई जी जनवरी का जनवरी या दिसंबर के आसपास पास ब्याज पड़ेगा भाई

या चौथे काटने लग रही है भाई चौथे दांत निकालने लग रही है भाई हाँ। जी तो यह कौन से बोलते प्रेग्नेंट है यह भी गांव के पंचायती हाँ। जोटे थे पंचायती जोटे थे डायरेक्ट क्रॉसिंग कर भाई के कुछ कीमत रखोगे इसकी भाई साहब आगे आगे इसकी भाई साहब एक लाख दस हजार रुपए दे देंगे एक लाख दस हजार हाँ। इसने सेल कराएंगे एक लाख दस में

दो साठ तो पांच के छूट गए ना तो हाँ। भाई देखो भाई ने दो पशु दिखाए हैं और अपने हिसाब से पहले आपने भी काम करा दे पशु नोटबंदी में कराया कर दे अच्छा फिर कई मानसार में डांगर खुलवा दिए पीछे आए को ना अच्छा नुकसान हाँ, हो गया चौदह पंद्रह लाख रूपया नीचे गए थे चौदह पंद्रह लाख का नुकसान हो गया था और ये जो जॉब करो या कई साल तक करो आप या दो हजार आठ तक करो दो हजार आठ से आ, करते दो हजार आठ में भी कई लोग ने जो पीछे तो फिर बोले साल भर में दे दिए दो साल में दे दिए काम शुरू कर लिया था काम शुरू कर लिया फिर कितना फायदा हुआ भाई साहब फायदा कुछ नहीं पंद्रह लाख रुपए घाटा हो गया ईमानदारी का कारण था कारण ये था ईमानदारी के चक्कर में मर गए बता दिया अगला दिन

कई भाईया ने जो भी कोई करे हां कई बजे कर चोट खाई भाई यार फिर मेरठ का नीज कर नाम तो हमको बतावा मानस का क्योंकि शनि बदनाम करना ठीक को ना हम्म तो ओडे भी 7-8 लाख रुपए मतलब मैच लिया पहले नगद में लेके जा करदा आया फिर उधार में ले, ले जान लगे उस पे टीम पे देने लग जा फिर छह सात मैच कुछ बुला दी काम मदद वो एक ही बार कर दिया काम वो एक ही बार कर दिया यो प्लाट नु मान ले जे यो अपनाए था जो मेरा ए प्लाट था जिसमें वीडियो बनाने लाग रहे अच्छा इस प्लाट में ਲੋਗਾ ਐਪੀਛੇ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਮੰਨਣਾ ਮਤਲਬ 17 18 1900 ਕੋ ਭਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਥਾ ਅਰ ਫਿਰ ਗਾਮ ਮੇ ਸੂਤਰਾ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਜੋ 1200 ਰੁਪਏ ਗਜ ਕੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਥਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਟੇ ਮੇ ਵੇਚਿਆ ਜੋ ਗਾਟੇ ਮੇ ਵੇਚਿਆ ਜੋ ਬਣਾ ਬਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਾ

इसके भाई साहब लेने देने साठ हजार रुपए साठ हजार रुपये ले भाई इसकी तो जुमा भाई ने जायज कीमत बता दी है साठ हजार में फर्स्ट टाइमर है और बाखड़ी हाँ। में, में नहीं रड़ लेगी नहीं रड़ ले हाँ। साठ हजार रुपये इसकी कीमत आठ नो किलो दूध है आठ किलो दूध है कटड़ो न्यारा अपना तोड़ लेगा चार टाइम टाइम पांच आठ किलो दूध है भाई साठ हजार रुपये में लगी तीन नौ पशु दिखाए हैं भाई ने सभी के रेट बता दिए और भाई एक तो बिल्कुल जायज है साठ हजार रुपये में

राम राम सारे भैया ने राम राम कर जी राम राम जी सारे भाई ने राम राम